हे वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 14,000 से लेकर 16,000 के बीच में आने वाले सबसे अच्छे स्मार्टफोन बताने वाला हूं। और आप जानते ही हैं 15 से 16,000 के प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे स्मार्टफोन आपको मिल जाते हैं, बट हमने केवल टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को ही शॉर्टलिस्ट किया है जिससे आप 16,000 के आसपास परचेज कर पाएंगे। और ये सारे स्मार्टफोन ऑलमोस्ट ऑलराउंडर रहने वाले हैं। इन सभी स्मार्टफोन में आपको अच्छा कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिससे आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाएंगे अच्छे से। इसके साथ ही बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, पावरफुल गेमिंग चिपसेट भी मिल जाएगा जिससे आप कमाल की गेमिंग कर पाएंगे। सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाएगी। वहीं पर कुछ फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा और कुछ फोन में आपको 4G का सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों ही तरह के स्मार्टफोन होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वैसे हमने इन 5 स्मार्टफोन को ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंकिंग किया हुआ है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 5 से। और नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक ट्रू 5G फोन है। मतलब अगर आपका बजट 15 से 16,000 के आसपास है और आपको तलाश है एक बेस्ट 5G फोन की, तो शायद ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। एट द सेम टाइम ये फोन नॉन चाइनीज भी है। सो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। सो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। वैसे इस फोन का डिजाइन सैमसंग एस सीरीज से इंस्पायर्ड है, तो डिजाइन सिंपलिस्टिक सा है, अच्छा लगता है देखने में। 8.4 mm के थिकनेस है एंड 198 ग्राम वेट है, तो ज्यादा मोटा नहीं है और वेट भी ठीक ठाक है। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेम टाइम पर। इट मीन्स इसमें ट्रिपल स्लॉट दिया गया है। सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है, स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा आपको। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें जो कि इस फोन का बेस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से, तो ये फोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। और 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी मिलेंगे, मतलब एंड्रॉइड 13 और 14 दोनों ही मिलेगा। वन यूआई 4.1 की लेयरिंग लगी हुई है और सैमसंग के कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं। और हाँ, इस लिस्ट का यही एकलौता ऐसा फोन है जिसमें आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। इसके साथ ही अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस TFT पैनल के साथ आता है। सैमसंग ज्यादातर स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले ही देती है या फिर TFT डिस्प्ले, बट इनका TFT डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप TFT डिस्प्ले यूज कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। 600 nits के पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि ठीक ठाक है। और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। ओवरऑल आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाएगा, हालांकि पंच होल डिस्प्ले होती तो बात ही अलग हो जाती। बैटरी के बारे में बात करोगे तो ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और उसी को चार्ज करने के लिए 25W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको चार्जर नहीं मिलेगा, 1200 रुपये का अडेप्टर आता है जिसे आप परचेज कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से यही इस फोन का डील ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा। कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो सैमसंग का फोन है तो आप जानते हैं सैमसंग कैमरे को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है, तो ठीक ठाक कैमरा आपको मिल जाएगा। वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फोन काफी जबरदस्त है। तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 750G का 5G चिपसेट जो कि वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से। 8 nm पर बना हुआ है तो थोड़ी बहुत बैटरी कंजप्शन कम होगी। 3,50,000 के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा स्कोर है। UFS 2.1 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है एंड वर्चुअली 6GB तक रैम बढ़ा सकते हैं, तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में तो काफी बेस्ट रहने वाला है। आराम से आप गेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, और डे टू डे यूजर्स में तो कोई लैगिंग इशू की बात ही नहीं है। और हाँ, इस फोन में आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा जिससे ये एक कम्प्लीटली फ्यूचर प्रूफ फोन बन जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो 4128 के लिए 15,999 रुपये पे करने होंगे और 6128 के लिए 16,999 रुपये पे करने होंगे। दोनों ही वेरिएंट के ऊपर 1,000 रुपये का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास SBI या फिर ICICI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। तो इफेक्टिवली बेस वेरिएंट आपको 15,000 के आसपास मिल जाएगा 4128 वाला। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिस्प्ले सबसे बेस्ट होने वाला है अंडर 15,000। तो इस फोन का नाम है Moto G52।
इस फोन में आपको कैमरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और यूजर इंटरफेस काफी कमाल का मिलने वाला है। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 7.9 mm के थिकनेस है, मतलब पतला है ये फोन। एंड 169 ग्राम वेट है, मतलब काफी ज्यादा हल्का भी है। मतलब ये फोन 15,000 के नीचे सबसे पतला और सबसे लाइट वेट है। IP52 की रेटिंग भी दी गई है, तो हल्का फुल्का पानी गिर जाएगा तो कोई इश्यू नहीं होगा। सो ओवरऑल डिजाइन ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस साउंड और स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी है। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 12 पर रन करता है ये फोन विद नियर स्टॉक एंड्रॉइड। क्लीन यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। थिंकशील की प्रोटेक्शन दी गई है। कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में और एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से भी आपका निकल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो कि इस फोन का बेस्ट पार्ट है, इस फोन में आपको मिलेगा 6.6 inches की फुल HD+ POLED डिस्प्ले। POLED OLED का ही टाइप है। OLED डिस्प्ले से एक लेवल अप मान सकते हो POLED डिस्प्ले को। 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। अप टू 600 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है डिस्प्ले के ऊपर। तो डिस्प्ले तो आपको बेस्ट इन क्लास मिल ही जाएगा, इससे बेटर डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा 15,000 के नीचे। कैमरा के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, जो कि क्वाड फंक्शन के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, सेकंड कैमरा 8 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड और डेप्थ कैमरा है, थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 60 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, रियर कैमरे की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, सेल्फी में अभी भी मोटो को काम करने की जरूरत है। परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इस फोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट। अगेन ये चिपसेट भी 6 nm पर बना हुआ है। 260,000 के आसपास आंतु स्कोर देखने को मिल जाती है। LPDDR4X वाला रैम है। UMCP का स्टोरेज टाइप दिया गया है, जिसे आप क्लोज टू UFS 2.2 इतना मान सकते हो। तो मोटो ने इस चिपसेट को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, किसी भी तरह के लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलेगा। कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, मॉडरेट गेमिंग नहीं कर पाएंगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 4/64 के लिए 14,500 पे करने होंगे और 6/128 के लिए 16,500। 1,000 रुपये तक का बैंक ऑफर मिल जाएगा आपको इन दोनों ही वेरिएंट के ऊपर। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, बस कैमरे के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इसके अलावा सारे फीचर्स अच्छे हैं। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हो। बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में और नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन में आपको मिलेगा 108 MP का कैमरा। इस फोन का नाम है Realme 9 4G। वैसे तो 18,000 के आसपास आता है ये फोन, लेकिन अभी आपको 15 से 16,000 के आसपास मिल जाएगा। खैर चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, वैसे दिखने में काफी अच्छा लगता है ये फोन, देख सकते हो आप। कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ ये फोन, 8 mm की थिकनेस है, मतलब काफी पतला फोन है ये। एंड 178 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड सिम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। ऑल्सो इस फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ड ऑन Realme UI 3.1। तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा इस फोन के अंदर, लेकिन काफी सारे ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में मिलेगा आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। 1 आवर के अंदर फुल चार्ज हो जाती है बैटरी और एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इस फोन के साथ बैटरी बैकअप बहुत ही कमाल का मिलने वाला है आपको। वहीं परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट, जो कि एक रिसेंट टाइप का 4G चिपसेट है। वैसे ये चिपसेट 6 nm पर बना हुआ है, मतलब बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम होती है। वैसे भी एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है इस फोन के अंदर, लगभग 270,000 के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है क्योंकि ये चिपसेट ही कमजोर है। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X वाला रैम है। एंड अप टू 5GB तक वर्चुअली रैम बढ़ा पाएंगे। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये फोन डिसेंट टाइप का है और अगर आप गेमर है तो इस फोन से आप साइड रहे। 6.4 इंचेस की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, साथ में 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा गेमिंग के लिए।
एंड मैक्सिमम 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, जिससे आपको आउटडोर यूजर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो डिस्प्ले में तो कहीं से भी कटौती नहीं की गई है। हालांकि थोड़ी सी बेजल्स ज्यादा देखने को मिल जाती है नीचे की तरफ से, बट ओवरऑल मीडिया कंजप्शन काफी बेस्ट रहेगा आपका। लास्टली कैमरा के बारे में बात करें तो इस फोन में ट्रिपल डीआर कैमरा दिया गया है। प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है, जो कि सैमसंग का न्यू सेंसर है HM6 सेंसर। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो दिया गया है। लेकिन अल्ट्रा वाइड इमेजेस काफी सॉफ्ट देखने को मिलती है। वैसे रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये लिमिटेशन इस चिपसेट का है, इस फोन में जो लगा हुआ है चिपसेट है उसका है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और ये सोनी का IMX471 सेंसर है। सेंसर अच्छा है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं की गई है। फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो 6128 के लिए 18000 रुपये पे करने होंगे, और 8128 के लिए 19000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आपके पास SBI बैंक के या फिर HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, तो 2000 रुपये तक का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली बेस ब्रांड वाला आपको 16000 के आसपास मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली इस फोन को परचेज कर सकते हो। लेकिन 18000 के प्राइस पॉइंट पर मेरे हिसाब से ये फोन थोड़ा सा ओवर प्राइस है। सो बेहतर यही है कि बैंक डिस्काउंट के साथ ही इस फोन को परचेज करें। सो ये रहे Realme 9 4G के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। वैसे हमने इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना फॉर द लेटेस्ट प्राइस। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, और इसे आप 15000 के नीचे सबसे बेस्ट 5G फोन कह सकते हो, क्योंकि फिलहाल ये फोन आपको 14 से 15000 के आसपास मिल जाएगा, और सेल के दौरान तो 12 से 13000 में भी मिल जाएगा ये फोन। सो इस फोन का नाम है पोको M4 Pro 5G। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, फंकी सा डिजाइन दिया गया है, वही पोको के टिपिकल डिजाइन के साथ आता है, 8.8mm थिकनेस के साथ आता है। ओवरऑल आपको डिजाइन अच्छा मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेम टाइम पर। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है, बेस्ड ऑन MIUI 12.5। ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। अराउंड 1 आवर के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी। नॉर्मली एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जो कि इस फोन को यूनिक बना देता है। सो ये फोन Dimensity 810 5G चिपसेट के साथ आता है। ये चिपसेट 6nm पर बना हुआ है, मतलब बैटरी कंजप्शन कम होगी, पावर एफिशिएंट चिपसेट है ये। अराउंड 370,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है, एंड LPDDR4X का रैम टाइप दिया गया है। वर्चुअली 3GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, जो कि सिर्फ 8GB वेरियंट में ही काम करता है। सो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास मिल जाएगा प्राइस के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम 5G बैंड्स के बारे में बात करें, तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोन ड्यूल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। हालांकि आपको 3-4 कैमरे दिखेंगे, लेकिन दो ही कैमरा है। रियर कैमरे से 1080p में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा आपको एवरेज टाइप का मिल जाएगा, ठीक ठाक कैमरा सेटअप दिया गया है। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। गेमिंग के लिए 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, तो टच रिस्पॉन्सेस काफी कमाल की मिल जाएगी। 510 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी। डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले ठीक ठाक दिया गया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। खैर प्राइस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 15000 रुपये पे करने होंगे, और 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 17000 रुपये पे करने होंगे। वहीं पर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 19000 रुपये पे करने होंगे। सो अगर आपका बजट मैक्सिमम 15 से 17000 के आसपास है, और अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए, तो डेफिनेटली इस फोन को आप परचेज कर सकते हो। बाकी ये रहे पोको M4 Pro 5G के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हो। और नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन में आपको परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट मिलने वाला है, और कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी कमाल का है, स्पेशली सेल्फी कैमरा। सो इस फोन का नाम है Vivo T1 5G। 15 से 16000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से Vivo ने काफी सारे अच्छे फीचर्स दिए हैं। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी।
स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मतलब प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा आपको। 8.3 mm की थिकनेस है एंड 187 ग्राम वेट है, तो थिकनेस और वेट ठीक ठाक है। ओवरऑल दिखने में अच्छा है फोन, वीवो का फोन है तो अच्छा ही होगा। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है जो कि लाउड है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर होता तो अच्छा रहता। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि यह फोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है बेस्ड ऑन फन टच ओएस 12, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा आपको। थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर मिलते हैं लेकिन उसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे। सो चलिए अब बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और उसी को चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग लगता है क्योंकि इस फोन का प्राइस 15 से 16 हज़ार के आसपास है। खैर बात करते हैं इस फोन के कोर पॉइंट के बारे में, जो कि है इस फोन का परफॉर्मेंस। सो इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है। 20,000 के नीचे बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको ये चिपसेट मिल जाएगा। वैसे ये चिपसेट 6nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होती है। 4,10,000 के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है, स्पेशली अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखते हो तो। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है। सैडली ये फोन सिर्फ 2 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो 5G बैंड्स थोड़े से कम मिलेंगे आपको जरूर, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। अगर हम कुछ स्पेशल गेमिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है गेमिंग के लिए। कंटिन्यूस 40fps तक गेमिंग कर पाएंगे BGMI और PUBG में, लेकिन इस फोन में जो जायरोस्कोप सेंसर है अच्छे से काम नहीं करता है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी सी डिले देखने को मिलता है। वैसे इस फोन में लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है, तो देखा जाए तो ये एक परफॉर्मेंस एंड के स्मार्टफोन है। इसके साथ ही अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा। प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, इसके साथ ही दो और कैमरे दिए गए हैं जो कि 22 MP के हैं, बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि वी नॉच कैमरा है, और इसके वजह से इस फोन का लुक थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है। वैसे फ्रंट कैमरे से भी आप 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, हालांकि अल्ट्रा वाइड कैमरा होना चाहिए था। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। सो इस फोन में आपको मिलेगा 6.58 inches की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 500 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा है, वही अगर पंचुअल होता तो और अच्छा हो जाता। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 4128 के लिए 16,000 रुपये पे करने होंगे आपको, और 6128 के लिए 17,000 रुपये, और 8128 के लिए 20,000 रुपये। तीनों ही वेरिएंट पर आपको 1500 रुपये का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो। इफेक्टिवली बेस वेरिएंट आपको 14,500 के आसपास मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट पर एब्सोल्युटली बेस्ट फोन है। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। तो यही थे हमारी लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर ₹16,000। प्राइजेस थोड़े बहुत फ्लैक्चुएट हो सकते हैं टाइम टू टाइम, तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना फॉर द लेटेस्ट प्राइस। और अभी भी आपको कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं आप। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।